उत्तराखंड में आर्थिक विकास दर में लगातार दूसरे साल भी गिरावट दर्ज की गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2018-19 में आर्थिक विकास दर 6.8% आंकी गई है, जबकि 2017-18 में आर्थिक विकास दर 7.84% और 2016-17 में 9.83% अनुमानित थी। अर्थव्यवस्था के आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि प्रदेश की विकास दर अब देश की विकास दर के बराबर है। पिछले दो सालों में उत्तराखंड की विकास दर देश की विकास दर से ज्यादा थी। इतना होने पर भी उत्तराखंड 2016-17 में हासिल की गई विकास दर को सहेज कर नहीं रख पाया। पिछले दो सालों की तुलना में इस बार विकास दर न्यूनतम स्तर पर है। इसके बावजूद उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का कुल आकार अब 2,45,895 करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में 6.8% ज्यादा है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय में इस बार इजाफा हुआ है। अर्थ और संख्या निदेशालय से जारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में अब प्रति व्यक्ति आय 1,98,738 रुपए तक पहुंच गई है, जो पिछले साल की तुलना में 16,418 रुपए ज्यादा है। 2017-18 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 1,82,320 रुपए थी। तो एक तरफ अच्छी बात यह है कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ रही है लोगों की, लेकिन अगर आय बढ़ रही है तो परचेसिंग पावर क्यों नहीं बढ़ रही, लोग सामान क्यों नहीं खरीद रहे? क्योंकि सामान खरीदते हैं तो जीडीपी बढ़ती है, लेकिन जीडीपी घट रही है हमारी, और ये आंकड़े भी बताते हैं।